सरकार की। सच बोल रहा हूँ। बढ़िया है सर, होना चाहिए सर। कौन है? इंटर ओशन में। ये देखो अपनी बिलों का हाल, सब की सब जल गई। चल 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 छू 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 चल 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 तबड़िक 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 तब 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 Life is unpredictable, guys. Seriously, very unpredictable. बाकी कैसा रहा दिल्ली का मौसम? सच बोल रहा हूँ, बढ़िया है सर, होना चाहिए सर। मैं बोलो तभी तो मैंने आपको फोन किया, मैं भाई ऐसा तो कौन सा ड्राइवर है आपका? कौन है? इंटर ओशन में? ना ना अपना नहीं, अभी तक आया ही नहीं। क्या आई है क्या कुछ? गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द वीलॉग। सुबह के बज रहे 10:30 और आज है डेट 21st। बड़े दिन बाद आज व्लॉगिंग कर रहा हूँ यार, और आज ही सुबह दिल्ली से गांधीधाम वापस आया हूँ। करते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से भी मुलाकात और बताते हैं आप लोगों को क्या ट्रेजेडी हुई अपनी फैमिली में। वही घर आते ही सबसे पहले छत पे आ गए हैं। प्लांट्स का हाल तो बहुत बुरा है यार, बहुत ही ज़्यादा बुरा। जब बंदा गाड़ी साफ़ कर रहा था, दशरथ भैया ने उसको बोला था कि प्लांट्स में पानी डाल देना। पता नहीं, मुझे ये लग रहा है शायद तक जो छत के प्लांट्स है उसमें उस बंदे ने पानी नहीं डाला है। ये देखो अपनी बेलों का हाल। इनका तो और भी बुरा यार। मतलब मम्मी पापा घर में ही रहे, बंदा काम करने आ रहा है उसको बोल देते हैं यार ढंग से ध्यान रख ले। इस घर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भाई, जो काम मैं कर रहा हूँ ना मेरे पीछे सब काम कोई नहीं करता, भले फिर पौधे जल क्यों ना जाए। टाइम हो रहा है 12:00, चाय पानी किया अभी। जो अपने कार क्लीनर थे उनको बोल रहे थे पानी डालने को, वो बंदा बताया क्या कर रहा है, सिर्फ ये आंगन के जो प्लांट्स है ना इन्हीं में पानी डाल रहा है। आई डोंट थिंक सो, उसने फर्स्ट फ्लोर के प्लांट्स में पानी डाला है एंड छत के तो प्लांट्स में पानी शायद नहीं डाला है या रेगुलर इंटरवल्स में नहीं डाला है, क्योंकि मेरे छत की सारी बेलें जल चुकी हैं। फर्स्ट फ्लोर के प्लांट्स का हाल इतना बुरा नहीं है, बेलों में बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को पता ही है, और अब देखो क्या हाल हो गया, सब जल गई है। ये देखो अपनी बेलों का हाल, सब की सब जल गई। इतनी मेहनत, इतना टाइम, इतना पैसा ठुकता है तब जाके बेलें बड़ी होती हैं, एंड विद इन नो टाइम जल के राख। टाइम हो रहा है 3:45। नानो दोनों जान, फाइनली बड़े दिनों बाद पूजा पाठ डन, अब जा रहे कुछ खाने के लिए। क्या बताओ यार, चक्कर से आ रहे हैं। चक्कर बताए क्यों आ रहे हैं? ट्रेन में जो ट्रैवल किया ना वॉज नॉट गुड, एक्चुअली टायर्ड यार, बहुत ज़्यादा थकान हुई पड़ी है, रेस्ट नहीं कर सकता, काफ़ी सारी पेंडेंसी है जो कोशिश करके आज कल में क्लियर करें। बाकी देखें क्या सीन सपाटा बैठता है। हफ्ते भर में हमें फिर निकलना है दिल्ली के लिए, उसकी रिटर्न टिकट्स हमारी ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। चल 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 छू 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 चल 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 तबड़िक 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 तब 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 छू 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 शैतान चल अंदर चल। दो हफ्ते में कितना बड़ा हो गया यार, मतलब कि जब मैंने इसको देखा 2 हफ्ते में इतनी अच्छी लेंथ गेन कर ली उसने, वेट नहीं बढ़ रहा। कोई बात नहीं यार, उसके ऊपर भी वर्क करते हैं। मेरा
हैं शाम के ऑलमोस्ट 6:30। दोपहर से हम लोग बैठे थे कंप्यूटर के ऊपर, काफ़ी सारी पेंडेंसी पड़ी थी वो क्लियर करी है विद रिगार्ड्स बिलिंग एंड एवरीथिंग। अब ट्राई पानी करेंगे, हम निकले हैं शर्मा के लिए। यार दिल्ली क्या गया, पानी का कंजप्शन नेक्स्ट टू निल हो गया। टेलर क्योंकि दरवाजा बंद करो इसको और पानी भरने चले जाएगी कुछ नहीं कुछ समथिंग राइट क्या कैसे हो क्या है एवरीथिंग गुड। अरे उसको फोन किया फिर माँ ने बैठने नहीं दिया तो नहीं दिया। इस सामान ले लिया है और अब निकल रहे घर के लिए, गला पूरा बैठा पड़ा है। वही टाइम हो रहा है 12:45। खाना पीना हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आप लोग का भी हो गया हो। मिसेस से बात चल रही थी, सासू मोम से बात चल रही थी, इसी के लिए थोड़ा देर से व्लॉगिंग चालू किया। ओके सो लास्ट वीक आवर फैमिली वेंट थ्रू अ ट्रेजेडी, टू बी वेरी प्रिसाइज मिसेस की फैमिली में ट्रेजेडी हुई है जिसकी वजह से पिछले कुछ दिन व्लॉगिंग करी नहीं है और पिछले कुछ दिन व्लॉग्स अपलोड भी नहीं करे। लास्ट अपडेट आप लोग को मेरे वीडियो से मिला होगा दैट मैं बॉम्बे ट्रैवल कर रहा था। सो लास्ट वीक मंडे को दैट इज़ 12 शाम को सोमवार के दिन मैं गांधीधाम से निकला था अहमदाबाद के लिए। मेरी ट्रेन थी सुबह बॉम्बे के लिए कुछ नहीं तो 4:00 के आसपास। ट्यूसडे के दिन हम बॉम्बे पहुँचे थे, आराम किया वहाँ पर, और वेडनेसडे थर्सडे दो दिन अपना शिपिंग रिलेटेड कन्वेंशन था। ये जो एग्जीबिशन हम अटेंड कर रहे थे दैट वॉज ऑन द 14th and 15th, एंड 15th को हमें वापस गांधीधाम के लिए निकलना था, डायरेक्ट ट्रेन थी, एंड 16th मॉर्निंग हम लोग गांधीधाम आ जाते हैं। 15th मॉर्निंग आई केम टू नो दैट माई फादर इन लॉ पास्ड अवे, सोनाली माई वाइफ उनके फादर की डेथ हो गई 15th मॉर्निंग को, एंड दिस वॉज अराउंड मेरे पास जब इन्फॉर्मेशन आई तब ये तकरीबन सुबह के 9:30 बज रहे थे। एंड क्या बताओ यार, 14 के दिन दबा के मार्केटिंग करी अपनी कंपनी की, और 15 को जब बुरी खबर आई कि अपने फादर इन लॉ की डेथ हो गई है, बिल्कुल काम में मन नहीं लग रहा था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये दैट मेरे फादर इन लॉ की डेथ दिल्ली में हुई है, मिसेज वॉज इन गांधीधाम और मैं बॉम्बे। अब सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट हो गई थी मेरे लिए कि मैं क्या करता। फाइनली इट वॉज डिसाइडेड दैट जो शाम की ट्रेन थी जो मैं बॉम्बे से गांधीधाम के लिए ले रहा था, उसी ट्रेन से मैं रात को अहमदाबाद उतर गया। सेम डे नाइट टैक्सी हायर किया और मिसेज भी अहमदाबाद आई गरिमा के साथ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 16 को सुबह सुबह हमने अपनी फ़्लाइट पकड़ी अहमदाबाद से दिल्ली के लिए, सीधा दिल्ली गए, सासू मोम से मिले, बाकी सब रिलेटिव से मिले, और उसके बाद ससुर जी का शव लेके हम लोग गए शमशान घाट। कैसे हो गया यार, कुछ बोल नहीं सकता। He was just 50 years old, just 50। अभी नवंबर को गांधीधाम होके गए थे गरिमा का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने आए थे, और इतना जल्दी उनका बुलावा भी आ गया। मिसेज और गरिमा they're still there in Delhi only, और जब तक 70वां नहीं निपट जाता वो वापस नहीं आ सकते, उनको वहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि काम बहुत सारा पेंडिंग था। मैं 1 के लिए गांधीधाम आया हूँ, सारा काम निपटा के मुझे फिर वापस निकलना है ऑलमोस्ट 1 के गैप में, बिकॉज आई नीड टू बी देयर एज वेल, और मैं ही बाद में अपने फैमिली को लेकर आऊँगा। क्या बोलूँ यार, सिवर में मैं केरला गया था, माई मदर इन लॉ लॉस्ट हर मॉम। अभी मैं बॉम्बे गया था, माई मदर इन लॉ लॉस्ट हर हस्बैंड। रियली डिफिकल्ट टाइम यार, रियली डिफिकल्ट। लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल गाइस, सीरियसली वेरी अनप्रडिक्टेबल। कोशिश करो यार कल के ऊपर चीज़ें ना टाल सको, और तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। हमारे कल गारंटीड नहीं है बॉस, ये बात तो पक्की है।